हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके फी रिफंड के रिगार्डिंग। मेरे पास इंस्टाग्राम पे क्वेरीज आती रहती हैं कि सर हमारा फी रिफंड कब होगा। मैंने इतनी तारीख को एडमिशन कैंसिल कराया था, मैंने सितंबर में कराया था, मैंने नवंबर में कराया था, मैंने जनवरी में कराया था। सो आज इन सभी क्वेरीज के रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाला हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करिएगा। और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और फ्रेंड चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं आपसे बात करता हूं फी रिफंड के रिगार्डिंग। बहुत सारे पहले तो मैं आपको क्लियर करता हूं कि जो आपका फी रिफंड है वो कब तक की डेट, मतलब जिन बच्चों ने कब तक एडमिशन कैंसिल कराया था उनका हो सकता है। गाइज, मैं आपको बता दूं, जो हमारे एडमिशन की लास्ट डेट थी 2020 की, वो थी 31st of December। तो डेफिनेटली ये नॉर्मल सी बात है, जो आपका रिफंड, मतलब अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तो उसकी भी लास्ट डेट यही होनी चाहिए, 31st of December 2020। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें जनवरी में कैंसिल किया था और जिन्होंने फरवरी में कैंसिल किया है और वो अब रिफंड के लिए सोच रहे हैं। सो गाइस, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे मेरी काफी वीडियो पे कमेंट बॉक्स में भी ये स्टूडेंट पूछते हैं, सर मैंने इस डेट को कैंसिल किया था, क्या रिफंड की पॉसिबिलिटी? मैं उनको भी यही क्लियरली बोलता हूँ कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो लास्ट डेट थी वो 31st of December थी 2020। अगर आपने जब तक कैंसिल किया था या फिर उससे पहले कैंसिल कर लिया था तो आपका 101% रिफंड आएगा, 101% रिफंड आएगा। गाइस, आप परेशान मत होइए, अभी आप रिफंड आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो ड्यू का अकाउंट सेक्शन है वो सब क्लोज्ड है। क्योंकि गाइस, अभी भी आपने देखा होगा, अगर हम एक नॉर्मल चेक को बैंक में ड्रॉप करके आते हैं तो उससे क्लियर होने में भी 5 से 6 दिन लग जाते हैं अभी में। तो सोच सकते हैं आपका फी रिफंड कैसे हो सकता है। इवन आपका पूरा ड्यू क्लोज है, ड्यू के अंदर 30 से ज्यादा प्रोफेसर हैं, वो लोग मतलब अब नहीं रहे हैं, और फिर 500 के आसपास लोग मतलब ड्यू के अंदर कोविड से मतलब लड़ रहे हैं। सो कैसे पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा? प्लीज आप थोड़ा सा वेट करिए और पेशेंस रखिए। बट मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, 31st of December 2020 तक जिन्होंने भी एडमिशन कैंसिल कराया था उनकी 101% फी रिफंड होगी। अगर किसी की फी रिफंड नहीं होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना, चल लेंगे सारे मिलके ड्यू के पास। आपकी फी हमेशा रिफंड होगी अगर 31st December तक आपने कैंसिल कराया, चाहे वो नवंबर में कराया हो, चाहे सितंबर में कराया हो, चाहे अक्टूबर में कराया हो, चाहे December 31st 11:58 पे कराया हो, लेकिन आपकी फी रिफंड होगी। सो परेशान मत होइए, उसके बाद वाले 2021 में जो कैंसिल कराया उसके बारे में पॉसिबिलिटी नहीं कह सकता मैं कुछ भी। बाकी अभी तो मेरे हिसाब से उनकी फी रिफंड नहीं हो सकती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि घर वाले मुझे मार देंगे, घर वाले मुझे ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे। सो गाइज, आपको पहले गाइडलाइंस को पढ़ना चाहिए था, तब जाके आपको एडमिशन कैंसिल करवाना चाहिए था। या फिर जब भी तो आपको बोलता हूँ कि आपको इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखा करो, कोई भी क्वेरी होती है कोई भी स्टेप लेने से पहले एक बार पूछ लिया करो अपने भाई से, ताकि कोई आगे जाके आपको दिक्कत ना आए। बाकी यही आपका अपडेट था अभी तक, आपकी फी रिफंड 100% आपको कर दी जाएगी, थोड़ा सा ड्यू खुल जाए, अकाउंट सेक्शन खुल जाए, उसके बाद आपका जो अमाउंट है वो आपको इनिशिएट कर दिया जाएगा। जैसे कि सभी को पता होगा, 13 और 14 अप्रैल को भी रिफंड कर दिया गया था काफी बच्चों को। अराउंड में आपसे बात करूं तो 60-70% स्टूडेंट्स का रिफंड आ चुका है, बस कुछ ही ऐसे स्टूडेंट है जिनका रिफंड नहीं आया, वो इनिशिएट हो रहा था, उसके बाद तो आपको पता है लॉकडाउन लग गया। सो लॉकडाउन खुलने तक का आपको वेट करना होगा, और सब कुछ बंद है, आपको ही पता है ऑनलाइन क्लास तक नहीं हो रही है, सो कैसे रिफंड इनिशिएट हो सकता है। सो गाइस, ये कुछ अपडेट थी इंस्टाग्राम पे जो आप मुझसे पूछते रहते हो। बाकी पूछते रहो, हमारा काम है आपके लिए सॉल्यूशन लेके आना, आपका काम है हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आना। सो गाइस, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।